हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ है क्रेप्स कंपनी की अम्पियर अम्पियर की मैग्नस, जो कि चाबी से शुरुआत करें तो ये चाबी कुछ इस तरह का दिखता है। इसमें आपको डुअल चाबी का सेट मिल जाएगा। तो आइए गाड़ी को पहले से देखते हैं, पहले गाड़ी कैसे दिखता है। ये गाड़ी का आपको तो दिख रहा है, आप ये गाड़ी का फ्रंट लुक है और रेड कलर में अवेलेबल है गाड़ी अभी हमारे पास। और ये सामने की तरफ ये एलईडी सेटअप का हेडलाइट है, मैं आपको अभी चालू करके दिखाता हूँ इसको। और बाद में जो इसका दोनों साइड में फेंडर में आपको मिलेगा इंडिकेटर्स लेफ्ट और राइट में। अगर हम यहाँ से डायरेक्ट इग्निशन ऑन करें तो डायरेक्ट इग्निशन ऑन करने से आपका इधर एलईडी का जो DRL है वो ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा, और जो हेडलाइट है वो एक्टिव नहीं होता है, वो सिर्फ स्टार्ट करने के बाद ही वो एक्टिव होता है। तो आइए देखते हैं इसका हेडलाइट कैसे दिखता है। ये आपका हेडलाइट जो है ये एक अच्छा सा थ्रो भी हो रहा है। और अभी आइए इसका इंडिकेटर को लगा के देखते हैं कैसे दिखता है इंडिकेटर। ये आपका राइट साइड का इंडिकेटर है और रियर में आपको इस तरह दिखेगा, बहुत ही काफ़ी अच्छा थ्रो भी दे रहा है, दूर से भी आई कैच हो जाएगा इंडिकेटर। और सामने की तरफ से देखें तो सामने की तरफ से भी बहुत अच्छा सा दिख रहा है। तो इंडिकेटर को ऑफ करते हैं और बाकी का सारा फीचर देखते हैं। फिलहाल अभी चाबी को ऑफ कर देते हैं पहले, फिर बाद में इसका टायर प्रोफाइल देखेंगे। और फेंडर में आपको ये जो अम्पियर का भी बैजिंग देखने के लिए मिलेगा, और एक के इधर आपका ये जो आपका है इधर नंबर प्लेट का भी, ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो रहेगा इसका इधर माउंटिंग है। और नीचे की तरफ जाएँ तो आपको इधर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा, जो कि कंफर्ट के मामले अच्छा रहता है। और इसका टायर प्रोफाइल की बात करें तो टायर प्रोफाइल में आपको 10 इंच का टायर ही मिल जाएगा, ट्यूबलेस टायर मिलेगा। और ये 10 इंच का टायर आप देख रहे हैं रिम व्हील के साथ। इसमें अलॉय व्हील के तो ऑप्शन फिलहाल अभी कंपनी की तरफ से है नहीं। और इसमें आपको ड्रम ब्रेक का भी ऑप्शन मिलेगा विथ कॉम्बी ब्रेक। ये आपका ड्रम ब्रेक है विथ कॉम्बी ब्रेक, जो सेफ्टी के मामले बहुत ही अच्छा रहता है। अब ये देखते हैं पीछे की तरफ से, पीछे में भी आपको सेम 10 इंच का अलॉय व्हील विथ हॉब मोटर। हॉब मोटर यानी कि आपका पावर भी अच्छा डिलीवर करेगा। और इसका रियर में आपको ये सस्पेंशन दिखने के लिए मिलता है कॉइल स्प्रिंग के साथ, और डुअल सस्पेंशन भी आपको रियर साइड में दिया गया है, तो काफ़ी अच्छा आपको लोड भी कैरी करेगा और लोड कैरी करने के साथ आपको अच्छा सा कंफर्टेबल भी प्रोवाइड करेगा। अभी अगर हम रियर की बात करें तो रियर में गाड़ी कुछ इस तरह दिखता है। और रियर में आप जब भी इग्निशन ऑन करोगे तो DRL तो ऑटोमेटिक जलेगा, और इसके साथ ये आपका बैकलाइट भी ऑटोमेटिक जल जाएगा। ये आपका सेफ्टी के मामले भी बहुत अच्छे है, अभी कहाँ पर आप गाड़ी भी पार्क करके उसको भी खाली इग्निशन ऑन करके आप इंडिकेशन दे सकते हैं कि इधर एक गाड़ी है करके। और इधर नीचे एक रिफ्लेक्टर भी है, और जो भी अच्छा बात है। और रियर में आपको इधर माउंटिंग दिया गया है रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए, और इधर एक सेफ्टी फीचर है, ये साड़ी गार्ड भी दिया गया है कंपनी की तरफ से, जो कि सबसे बड़ी बात है। और इधर ये आपको रियर में भी ड्रम ब्रेक का ऑप्शन मिलेगा, इसमें कोई आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन तो नहीं मिल रहा है फिलहाल। गाड़ी के अगर साइड लुक की बात करें तो गाड़ी कुछ ऐसा प्रीमियम लुक देता है, जिसमें आपको ये रियर के साइड में एक रिफ्लेक्टर मिलेगा, जो कि साइड विजुअल के लिए बहुत अच्छी बात है। और इधर आपको फेंडर में दिखने के लिए मिलेगा मैग्नस की बैजिंग, मैग्नस भी 3D लोगों में इसका बैजिंग भी दिया गया है, 3D लोगों में बैजिंग है इसका। और इधर साइड में आपको मिलेगा पिलन के लिए इधर फुटरेस्ट भी है, और इधर भी एक फुटरेस्ट भी है लेडीज़ के लिए, बहुत अच्छी बात है। और इधर आपको ये जो साइड स्टैंड दिख रहा है, ये आपको साइड स्टैंड, ये इसमें साइड स्टैंड कटअप का भी फीचर है, जो कि आपका गाड़ी अगर चालू है तो साइड स्टैंड एक्टिव करने से ये ऑफ हो जाएगा। और इधर इंडिकेशन भी आपको दिखने के लिए मिलेगा इधर।
तो अभी चलते हैं इसका डिगी स्पेस को खोल के देखते हैं। डिगी स्पेस में कितना आपका इधर खाली इसके इधर इग्निशन में सिंपल पुश रिवर्स में ऐसा प्रेस करने से डिगी आपका अनलॉक हो जाएगा। और डिगी यहाँ से खुलने से सबसे बढ़िया बात है कि इसमें आपको डिगी में मिलेगा एक अच्छा सा एक एलईडी का सेटअप मिलेगा जो कि आपको नाइट में विजिबल अच्छा दिखेगा। डिगी के अंदर क्या स्पेस है, क्या इसमें सामान रखा गया है, आपको इजीली विजिबल हो जाएगा। और इधर ये एम्पियर का कुछ ऐसा मैनुअल बुक भी दिया गया है और ये आपको फास्ट एड किट भी मिलेगा इसके साथ। और उसके साथ आपको ये टूलिंग भी मिल जाएगा, टूलिंग ऑप्शन भी मिल जाएगा जिसमें आपको छोटा मोटा काम भी कर सकते हैं। तो आइए अभी चल के देखते हैं इसका बैटरी कहाँ पर रहता है। इसका जो कंप्लीट बैटरी का सेटअप रहता है ये बिल्कुल डिगी के नीचे ही रहता है दोस्तों। तो यहाँ से अगर आप खोलेंगे तो ये दोनों साइड में इसका लॉक दिया गया है। यहाँ से आप खोलेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखता है इसका डिगी में बैटरी का स्पेस। तो आइए तो आगे मैं बताऊँगा इसमें बैटरी कितने वाट का लगा रहता है और इसमें कि मोटर का कैपेसिटी कितना है। और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा एक हेडलाइट का हेड और डिपर का स्विच मिलेगा। आपको चालू करके भी दिखा देता हूँ। अभी हेडलाइट चालू हुआ और इधर आपको मिलेगा हेड और डिपर का स्विच और इधर लेफ्ट और इंडिकेटर का स्विच और इधर राइट इंडिकेटर का स्विच और हॉर्न बहुत लाउड है हॉर्न। और ये जो आप स्विच देख रहे हैं ये आपका रिवर्स है। और इधर दो मोड का ड्राइव ऑप्शन दिया गया है जो कि एक हाई है और एक लो है। तो दोस्तों अभी जो आपको दिखा रहा था ये जो हाई और लो दोनों मोड का जो ड्राइव ऑप्शन है इसमें अगर आप लो को एक्टिव करके गाड़ी चलाते हैं तो इसमें आपको स्पीड लगभग मिल जाएगा 30-35 किलोमीटर पर आवर के स्पीड। और इसमें आपको रेंज मिल जाएगा लगभग 120 किलोमीटर पर चार्ज। और अगर आप इसको हाई मोड पर चलाते हैं तो इधर आपको देखिए कंसोल यूनिट में आपको ये चेंज हो रहा है। इधर मैं अगर इसको लो पे रखूँगा तो इधर आपको एक दिखाएगा, सिंगल वन दिखा रहा है। और इधर आपको मैं हाई करके दिखाऊँगा तो नंबर भी चेंज हो रहा है टू। तो अगर आप हाई में चला रहे हो गाड़ी तो आपको लगभग स्पीड मिलेगा 100 के आसपास किलोमीटर, जो कि आपको 100 रेंज के आसपास आपका रेंज मिल जाएगा। पर स्पीड जो आपका रहेगा वो 55 के आसपास ही रहेगा। तो अभी इसको चालू करने के लिए पहले तो ब्रेक दबाना पड़ता है और थोड़ा सा इसको दबाना पड़ता है सेल्फ स्टार्ट को। और इधर आपका ये जो रेडी का सिंबल अभी आ गया, तो रेडी का सिंबल मतलब ये अभी आपका रेडी टू मूव है। जैसे ही आप एक्सेलेरेटर दबाओगे तो गाड़ी का थोड़ा स्पीड भी बढ़ना चालू हो जाएगा। दोस्तों रिवर्स का इधर जो स्विच दिया गया है ना, तो इसको दबा के आपको एक्सेलेरेटर को घुमाना पड़ेगा तभी जाके आपका ये गाड़ी रिवर्स में आएगा। अभी हमारे साथ अभी जो शोरूम के जो भाई हैं तो ये थोड़ा अभी रिवर्स करके दिखाएंगे हमको गाड़ी को कैसे रिवर्स में होता है। देखिए ये पहले क्या किए, इधर रिवर्स का पहले स्विच दबाया फिर गाड़ी का एक्सेलेरेटर घुमाया तभी जाके आपका गाड़ी देखिए रिवर्स में घूम रहा है पहिया। रेडी? तो अभी आइए नीचे देखते हैं। इसका नीचे एक आपको पॉकेट दिया गया है जो कि एक कंटेनर का काम भी करेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको एक चार्जिंग का सॉकेट भी मिलेगा, यूएसबी चार्जिंग सॉकेट भी मिल रहा है जो कि आपको मोबाइल को इजीली चार्ज भी करेगा। और ये सामने आपको एक इधर हुक भी दिया गया है जो कि लगभग 4-5 केजी के आसपास को वेट भी कैरी कर सकेगा। तो अभी आइए देखते हैं गाड़ी के दूसरे साइड में आपको क्या मिलता है। अच्छा हाँ, यहाँ भी आपको एक देखने के लिए मिलेगा ये चार्जिंग का सॉकेट है। इधर आप इसको ओपन करेंगे तो ये चार्जिंग का सॉकेट आपको देखने के लिए मिलता है। ये चार्जिंग यहाँ पे यहाँ से आप गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं जो कि मैक्सिमम 4 आवर में गाड़ी आपका 0 to 100 चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पर आप इसको इजीली लॉक भी कर सकते हैं। और ये जो दो आप देख रहे हैं इधर और ये साइड में भी है, ये गाड़ी ये और ये गाड़ी का मतलब बैटरी जो है, बैटरी यहाँ पर आपको दिखाया था मैंने, तो इसको कूलिंग बेसिकली प्रोवाइड करने के लिए ये दिया गया है। ये बैटरी आपका एयर कूलिंग में कूल हो जाएगा पूरा। और ये साइड की बात करें तो साइड में भी आपको एक फुटरेस्ट मिल रहा है पिलन ड्राइवर के लिए। और ये साइड में भी ये गार्ड भी दिया गया है, बहुत अच्छी बात है। और ये मैग्नस ईएस का बैजिंग भी है इधर,
और ये ग्राब रेल भी बहुत बड़ी ग्राब रेल है जो कि मैट फिनिश में आता है और काफ़ी बढ़िया भी दिखता भी है और स्ट्रॉन्ग भी लग रहा है एकदम। तो भाई अभी चलते हैं इसका कलर ऑप्शन की तरफ, जिसको भी जो कलर ऑप्शन है ये लगभग 5 कलर के आसपास ही आता है और कंपनी की तरफ से ये 5 कलर में से ये पहला, ये तो आप देख रहे थे, आप जो रेड देख रहे थे, और अभी ये जो देख रहे हैं ये आपका स्काई कलर में है, स्काई कलर में अवेलेबल है। और दूसरा ये आपका इधर ब्लू कलर में अवेलेबल है, पर्ल ब्लू जैसा लग रहा है, ये थोड़ा चमक रहा भी है पर्ल ब्लू। और इधर आपका ये ग्रे कलर में अवेलेबल है, ग्रे कलर। और इधर एक है वाइट कलर, ये है वाइट कलर में। और ये जो आप गाड़ी तो पहले से देख रहे थे ये आपका रेड कलर में है बिल्कुल इस तरह। ये है आपका स्काई कलर में, ये ब्लू, और ये आपका ग्रे, और ये आपका वाइट, और ये आपका रेड कलर में मैग्नस EX अवेलेबल है। तो दोस्तों अभी आप जो मैग्नस का EX मॉडल देख रहे हैं इसमें आपको जो बैटरी कैपेसिटी आपको जो दिखा रहा था, जो बैटरी दिखा रहा था उसमें आपको बैटरी तो लगभग मिल जाएगा 2.3 किलोवाट का बैटरी 60 वोल्ट में और 38 एम्पियर के साथ, जो कि स्टैंडर्ड 3 ईयर का वारंटी तो आपको दे रहा है कंपनी। इसका हॉब मोटर है और हॉब मोटर आपका 1600 वाट का भी मिल जाएगा। और दोस्तों अभी जो स्टेट गवर्नमेंट, उड़ीसा स्टेट के गवर्नमेंट के हिसाब से अभी जो सब्सिडी मिल रहा है आज पर गवर्नमेंट की, पर किलोवाट आपको 5000 का सब्सिडी मिल रहा है। तो ये जो गाड़ी है ये आपका 2.3 किलोवाट का है, तो ये 2.3 किलोवाट के हिसाब से लगभग आपको 10-11 हज़ार के आसपास तो आ ही जाएगा आपका सब्सिडी गाड़ी के प्राइस के हिसाब। और गाड़ी का प्राइस का बात करूँ तो गाड़ी का प्राइस आपको मिल जाएगा एक शोरूम के हिसाब से 1,04,000 के आसपास मिल जाएगा ये गाड़ी आपको, 1,04,000 के आसपास ही मिल जाएगा। ये जो एक शोरूम प्राइस है ये तो कांस्टेंट रहेगा, पर ऑन रोड का जो प्राइस है ये आपका लोकेशन वाइज वैरी हो सकता है। आप जो ये जो दो गाड़ी देख रहे हैं ये आपका बिना रजिस्ट्रेशन का गाड़ी है, जिसका नाम है कि रियो प्लस, जो कि आपका 70,000 के आसपास से ये एक शोरूम प्राइस आ जाएगा और 70 किलोमीटर पर चार्ज के हिसाब से ही चलेगा। और ये जो दो गाड़ी है इसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर ही ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका मैक्सिमम स्पीड आपको लगभग 30 के आसपास ही मिल रहा है। ये अभी दो कलर में अवेलेबल है। दोस्तों अभी जो गाड़ी देख रहे हैं ये आपका मैग्नस का LT वर्सन है, इधर मैं दिखाता हूँ, ये आपका LT भी लिखा हुआ है, इसका बैजिंग भी, और ये आपको स्टिकर में आपको बैजिंग मिल जाएगा। पर मैग्नस EX में आपको जैसा 3D का लोगो जैसा मिल रहा था, पर इधर आपको स्टिकर का बैजिंग देखने के लिए मिल जाएगा। और इसका प्राइस का बात करूँ तो ये आपको लगभग 94,000 के आसपास मिल जाएगा, एक शोरूम प्राइस है। और लोकेशन को वाइज तो आपका ऑन रोड प्राइस तो चेंज ही हो सकता है। और इसका अगर जो रेंज है ये रेंज आपको लगभग 80 किलोमीटर पर चार्ज को मिलेगा। और इसका अगर बैटरी का बात करूँ तो ये बैटरी आपका लिथियम आयन और 1.5 किलोवाट के हिसाब से मिल जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये मैग्नस कमेंट में ज़रूर बताइए।